कानो अगो चल। ये देखो बाकी जानवर सब आगे निकल जाते हैं और ये फिर से सुल्तान की तरह मेरे साथ ही रहेगा और मेरे सामने चरेगा। चल चल भोले, क्या क्या और इसको भी पीछे छोड़ दूंगा, ये भी अपने आप ही आता है जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। तो महादेव की ये मेरे पे कैसी कृपा है कि जानवर मेरे से बहुत जल्दी मतलब कनेक्ट होते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, खुद ही भाग के मेरे पीछे आ जाएगा। जो सुल्तान के जाने से एक कमी महसूस होती थी उसकी भरपाई इसने कर ली, इसलिए मैं इसको स्पेशली रखना चाहता हूँ, इसको परमानेंट रखना चाहता हूँ। आ जा बोले, आ आ आ जा। और एक गुड़ और बटाम अपने लिए ला रखे हैं, थोड़ा इसको भी खिला देता हूँ। बस बस अब बैक अमन और शुभम खणची दिखने पे। पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का मैं सुनील एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं सब महादेव की कृपा से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे गांव का नाम कोडी तल्ली है जो कि बीरोखाल ब्लॉक में आता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के सामने एक ब्लॉग लेके आया हूँ और अपने ब्लॉग में कोशिश करता हूँ कि अपने पहाड़ी जनजीवन को दिखाने की कोशिश करूं और जो हमारी डेली लाइफ होती है उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपने इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए प्रॉपर पहाड़ी वीडियोज़ लेके आता हूँ। और दोस्तों आप लोगों ने दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं आप सबने, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। लगातार जो है बधाइयां और शुभकामनाएं मिलना शुरू हो गई थी मुझे 2-3 दिन पहले से ही, तो उसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तो हो सकता है आप लोगों के रिप्लाई मैंने लेट किए हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और पुनः आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये खंड बोले जाना हमारे गडल बोले में छिदगुंडा जो कि सुकना बाद आग जगाने काम आंद पहले एक पैट चूत रही। तो आज मैं अपना कैमरा बैग लेके आया हूँ, इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं खाने की जो पुराने टाइम में मतलब पहले के टाइम में गुएर जब गोर चराने जाते थे वो लेके आते थे अपने साथ, भट हो गया, गुड़ हो गया और आजकल माल्टे भी ठीक ठाक हो गए हैं तो वो भी हम लेके आए हैं, पानी की बोतल लेके आए हैं। तो आज हम प्रॉपर गुएर बन के आए हैं अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को चराने। और इधर सामने चल रहे हैं भेड़ बकरियां जानवर, तो हम लोग यहाँ से उनको देख रहे हैं, जब तक बिल्कुल आगे नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो चलो ये है गुड़ लाए थे 3, तो एक मैंने भोला को खिला दिया, 2 हमारे लिए बच्चे हैं और 2 बड़े बड़े माल्टे हम लोग लेके आए हैं अमन पकड़ना। और तापोड़दार इसको भी पकड़। और ये है इनकी स्कूल की पानी की बोतल जिसमें हम थोड़ा पानी लाए हैं क्योंकि सोयाबीन यानी भट खाने के बाद प्यास बहुत ज़बरदस्त लगती है, भट भून के लाए हैं यानी सोयाबीन भून के लाए हैं, तो इनको मैं दे देता हूँ ताकि इनकी बोलती बंद रहे, क्योंकि इतनी बातें कर रहे हैं कि मेरा दिमाग इनको इन्होंने ख़राब कर लिया, तो थोड़ा इनके मुँह पर ताला लगेगा। और ताला लगाने के लिए वैसे सेंटर प्रेस का ऐड आता है लेकिन हम पहाड़ी इन्हीं से ताली चाबी सब लगाते हैं। माल्टा खाएंगे हम थोड़ी देर में, पानी का काम भी है थोड़ी देर में, अभी इनको भट दे देता हूँ खी सके।
और अमन ले आज जी वह तो कम ही मिली। चल तो ये है सोयाबीन। ये चीज़ें जितना मज़ा जंगल में खाने में आता है उतना मज़ा घर में खाने में कभी नहीं आता। और ये अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ले आईना आज 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 लड़ाई करने से पिंट तक लाओ मैं टांग दी बल्ले ने करना। ए गोड़ी 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 ए गोड़ जा नीकी। तो जो हमारा खेती का काम था हल जोतने का वो पूरा हो चुका है और हमारे गांव के कुछ लोग अब शुरू कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी जो है खेती का काम पूरा कर दिया ताकि जल्दी से फ्री हो जाए। और अब जो काम रह गया है खेतों का सिर्फ घास काटना रह गया है, उसको भाभी मम्मी लगे हैं उसको काटने पे, वो भी कट जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हल जोतने का जो काम था उससे टेंशन फ्री हो गए हैं पानी। और मुझे पता था सोयाबीन यानी भट खाने के बाद प्यास लगती है, इसीलिए मैं स्पेशली पानी लेके आया हूँ। सुबह हम आए थे लगभग 10 बजे और अभी 1:30 बज रहे हैं। और ये भेड़ बकरियाँ चर के अब इनको घर ले जाते हैं, जानवरों को छोड़ देंगे यहीं। और हमें भी लगी है भूख, लेकिन अभी हमारे बैग में कुछ माल पानी बचा है उसको खा लेते हैं फिर चलते हैं घर को। और यहाँ पे जैसी धूप लगी है ये सबसे परफेक्ट सिचुएशन है माल्टा खाने के लिए। आ जा कोको क्या। और ये सोच रहे हैं हम कुछ खाने वाले हैं इंदिरा सटे, तो ये हमारे से दूर नहीं जा रहे हैं। चलो 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 चल 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 और इसके साथ हमने एक चीज़ मिस कर दी, अगर पिसा हुआ नमक होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन जंगल में कुछ भी मिल जाए खाने को ऐसे ही बिना नमक मिर्च के वो भी अच्छा लगता है। आ जा बोले ले आ मैं दूंगा इसको। ये देखो रुक रुक आए ना ले भाई ले 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 चल 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 अट जा चल चल ले चल। तो इतना मन के लिए और बाकी कुकु छीलेगा और ये मेरे लिए और भोला के लिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा Mm-hmm.
ले ले बोले बस 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 हटे चल 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 बोले चल। और अब बकरियाँ लग गई है रास्ता घर के लिए और हम भी चलते हैं। ये अपने आप आएगा हमारे पीछे खुद ही। चल दे आ जा। और इनको पता चल गया हमने कुछ तो खाया है, भोला को कुछ तो दिया है और ये भी आ गए। अब तो ख़त्म। भोले, जो हमारे बाकी के पशु हैं उनको मैं खाना खा के लेने जाऊंगा। और ये महाराज फिर से मेरे साथ आ गया। बच्चे आगे भाग गए बकरियों को लेके क्योंकि वो थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं। तो अब मिलते हैं आपको सीधा घर में। देख चीना काका नी चीना क्या चे चीनो रुक जा चौक। ये घर है और इस घर के इस कमरे में रहते हैं हमारे भेड़ बकरियां सेफ्टी पर्पस से। तो ये दोनों बांध रहे हैं भेड़ बकरियां। चीना यहाँ चढ़ी है, यहाँ पे मेरा भोला रहता है और उसके नीचे काफी घास फूस डाल रखी है ताकि उस पर कुछ मैला ना लगे। और यहीं पे रहती है हमारी मुर्गियां भी। तो ऐसा पैटर्न होता है हमारे घरवाली गौशाला का। यहाँ पे आ जाता है मेरा भोला, उसके सामने बोकटा यानी बकरा। अब तो ताला जाए मिटे, पहले द्वार बंद करें थोड़ा खबा आ जाते। और इस महाराज को यहाँ बांधने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और जो गौशाला रहती है उसमें टिन शेड है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ ताकि सर्दियों में इसको ठंड ना लगे। और ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इसको ठंड से बचाने का, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि जानवर मर भी जाते हैं ठंड से। तो जो अब हमारा डिनर बन रहा है वो बन रहा है कद्दू की सब्जी और कद्दू के पत्तों की सब्जी मिक्स करके। इसका मतलब आज का डिनर भी बहुत टेस्टी होने वाला है। तो अब देखते हैं ऊपर बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको स्कूल की तैयारी करानी है, कल से उनके स्कूल खुल रहे हैं। कल इन बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। ये ढूंढने लगे हैं अपनी कापी किताबें ड्रेस वगैरह और अभी से तैयार करके रखें ताकि सुबह इनको दिक्कत ना हो। वेरी गुड। अमन मिल गई? किसकी नहीं मिली? अक्षदीप मिल गई उसकी। चलो अब बैग तैयार कर से अपना सुबह रख ठीक से। स्कूल जाना लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ गए? कॉपी। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पहाड़ी जीवन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो लेके आता हूँ। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि उसका मुझे और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सपोर्ट बनाए रखें। तो जल्द मिलिए कुछ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मेरे पे हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। तो आप सबको शुभ रात्रि, जय श्री राम।